हाँ जी है हाँ। कितना जन्म हुए, कौन से धर्म किए हैं है? वो कौन से धर्म की मुखिया बनेंगी, कैसे मालूम है? हाँ, क्योंकि उनका लक्ष्य था कि मैं ब्रह्मा बाबा की गद्दी नसीन बनूं। तो ब्रह्मा बाबा कितने जन्म लेते हैं? 84 बर्थ लेते हैं। तो उनकी जो बच्चा बनेगा, उनकी गद्दी का मालिक बनेगा, चाहे कुमार का दादी हो, चाहे उनका सर्विस का संगी साथी हो, वो एक जन्म कम लेगा या ज्यादा लेगा है? एक जन्म कम लेगा, क्योंकि बाप का एक जन्म ज्यादा होता है और बच्चे का एक जन्म कम होता है। तो कितने जन्म लेंगी है? 83 जन्म लेंगी। और गीता के श्लोक रख दो कि इन गीता के श्लोकों में भगवान को निराकार बताया है, अभोक्ता बताया है, अजन्मा बताया है या साकार बताया है, जन्म लेने वाला बताया है? उसका जन्म मृत्यु होता है क्या? तो गीता का भगवान कौन सिद्ध हुआ? निराकारी स्टेज वाला सिद्ध होगा या साकार सिद्ध होगा? निराकार ही सिद्ध हो सकता है। ये पॉइंट गीता में उठानी चाहिए। और बताया ना, जो गीता के ही श्लोक हैं, वो गीता के ही श्लोक डाल दिए जाएं, उनका अर्थ समझा के बताया जाए कि गीता में तो ऐसे लिखा है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, पूरा का पूरा श्लोक ही बता दिया कि मैं परमधाम वासी हूँ। पर सर्वव्यापी कैसे हो गया? वो तो एक व्यापी होकर इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होता है, एक व्यापी होकर के इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, शक्ति के आधार पर। शक्ति है याद की, तो याद निराकारी होती है या साकार होती है? याद तो निराकारी ही होती है। निराकार को सिर्फ याद किया जा सकता है, साकार को याद भी कर सकते हैं और हर प्रकार से अनुभव भी कर सकते हैं, लेकिन निराकार को अनुभव नहीं कर सकते। वो सुख दुख दोनों से न्यारा है। साकार के द्वारा सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। कोई नहीं कहेगा निराकार से हमको दुख मिलता है। और सब लोग अपने वाले ही ना, फिर बहुत लोग बात में है, सब बात में है, सब
सब लोग आत्मा है और बाहर के लोग भगवान क्यों होते बोल रहे हैं? बाहर के लोग भगवान क्यों होते? लोग भगवान क्या पूछना क्या चाहते हैं? वो सब भगवान के क्यों है? वो बाहर वाला जो होता है वो क्यों, वो भगवान क्यों है? भगवान क्यों है? बाहर वाले भगवान के क्यों हैं? हाँ, बाप के छोटे बच्चे और बड़े बच्चे दोनों ही होते हैं या बड़ा बच्चा ही बाप का होता है? हाँ, बाप के तो छोटे बच्चे जो बाद में पैदा होते हैं वो भी बाप के बच्चे हैं और जो बड़े बच्चे हैं वो भी बाप के बच्चे हैं। तो यही बात है, जो इस सृष्टि पर बाद में आत्माएं आती हैं, विदेशों में आती हैं, विदेशों में ज्यादा जन्म मरण के चक्र लगाती हैं, वो बाद वाली आत्माएं भी बाप के बच्चे हैं और जो पहले आते हैं वो भी बाप के बच्चे हैं। भगवान के तो सभी बच्चे हैं, वो भगवान निराकार है या साकार है? हैं? वो भगवान निराकार है, वो ज्योतिबिंदु के बच्चे, ज्योतिबिंदु आत्माएं, आत्माएं 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब भगवान के बच्चे हैं। लेकिन जो पहले नंबर में आते हैं, पहले पहले परमधाम घर से आते हैं बाप की षष्ठी रूपी दुकान संभालने के लिए, वो भगवान से ज्यादा प्राप्ति करते हैं या बाद वाले ज्यादा प्राप्ति करते हैं? जो पहले पहले आते हैं वो भगवान से जन्म जन्मांतर की ज्यादा सुख की प्राप्ति करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि पहले पहले भगवान किसका है? है? भारत में भी बड़े बच्चों को राजाई मिलती रही या छोटों को राजाई दी गई? बड़ों को दी गई, क्योंकि जितने बड़े होते हैं उनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होती है। यहाँ भी ऐसे है, भारत पुराना देश है, जो भारतवासी बच्चे हैं वो पुराने बच्चे हैं, पुराने से पुराने हैं, इसलिए भगवान से ज्यादा प्राप्ति करते हैं। तो बच्चे को ये प्रश्न आता है, हमारा बाप है उनका बाप भगवान कहाँ से हो गया? वो क्यों कहते हैं हमारा भगवान? और अष्टावक्र गीता और पांडव गीता, जो पांडवों के पुजारी हैं उन्होंने बना दी पांडव गीता, तो पांडव गीता नाम पड़ गया। अष्टावक्र गीता कोई टूटे फूटे अंग वाला कोई साधु संत महात्मा हुआ होगा, उसने अपना नाम रखवाया अष्टावक्र, उसके द्वारा जो व्याख्या की गई उसका नाम रख दिया अष्टावक्र गीता। और बाबा के दिल पर चढ़ने के लिए क्या करना है? है?
बाबा के दिल पर कितने चढ़ते हैं और सर पर कितने चढ़ते हैं? है? अरे कोई संख्या है या नहीं है? है बाबा। कितने? आठ। आठ और उसके ऊपर भी गंगा। आठ सर पर चढ़ते हैं। अरे गंगा तो फिर नीचे भी उतर जाती है, तो चढ़ना चढ़ना उतरना एक बात हो गई। तो आठ सर पर चढ़ते हैं और 108 दिल पर चढ़ते हैं। जो दिल पर चढ़ते हैं वो ही फिर जन्म जन्मांतर राजाएं बनते हैं। बाप का वर्षा है ही राजा ही। और सप्तस्वर क्या क्या है? सप्तस्वर क्या है राधा? सप्तस्वर क्या है? सात नारायण है ना, तो सात नारायण सात प्रकार का ज्ञान सुनावेंगे या एक ही प्रकार का ज्ञान सुनावेंगे? सात प्रकार का ज्ञान सुनाते हैं तो उनके सात स्वर हो गए। राधा संपन्न स्टेज का नाम है, संगमयुगी पुरुषार्थी का नाम है, और सरस्वती, सरस्वती किसका नाम है? किसको फॉलो किया? अधूरे ब्रह्मा को फॉलो किया। तो वो एक ही तार में बोलेगी या सात स्वरों में बोलेगी? एक ही ब्रह्मा का तार, जो ब्रह्मा ने बोला वो तो सरस्वती बोलेगी। हर रुक्मिणी दादी पूरी वाली रुक्मिणी दादी रुक्मिणी दादी रुक्मिणी दादी हाँ जी ना, वो आदि रत्न हद की या बेहद की? बेहद की है? हद की भी बताओ। बेहद हद की भी? हद की भी बताइए। हद की अपने धर्म में हो सकती है, क्योंकि हर धर्म की अलग अलग माला होगी, तो अपने धर्म में आदि रतन हो सकती है। बाकी सारी सृष्टि की आदि रतन हद वाली नहीं हो सकती है। हाँ जी। और अगला वाक्य है शास्त्रों में गणेश जी को एक दंत कहते हैं, इसका बेहद अर्थ क्या है? कितने दंत होते हैं आदमी को? है 32 दंत होते हैं, और वो 32 दंत दिखाने के होते हैं या सिर्फ चबाने के होते हैं? हैं? 32 दांत चबाने के होते हैं। हाथी एक ऐसा महारथी है जिसको दो दांत होते हैं क्या? हाँ, कहते भी हैं हाथी के दांत चबाने के और दिखाने के, और तो उनका एक दांत किसी ऋषि मुनि ने तोड़ दिया लड़ाई में, तब से वो एक दंत हो गए, इसलिए एक दंत कहा जाता। बाकी थे तो उनको दो दांत, दिखाने के भी दो दांत थे। और योगियों का हाथ तो नहीं होता है, शरीर थोड़ा हाथ है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? योगी कहेंगे या वियोगी कहेंगे? उन्होंने पूरा जीवन हाँ
बाबा की सेवा में लगाया, बाबा को पहचानते थे। बाबा एक व्यापी है या 500 करोड़ व्यापी है? तो एक व्यापी को उन्होंने पहचाना। अगर पहचाना होता तो संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रखते या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रखते? क्या रखते? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रखते। लेकिन प्रजापिता को तो वो भूल ही गए। हैं? बात मानना बहुत मुश्किल है। हाँ, जो उनके धर्म के होंगे उनके लिए मुश्किल होगी, जो सूर्यवंशी बाप के बच्चे होंगे उनके लिए बहुत सहज होगी। खून काम करता है कि नहीं है? करता है, करता है। कोशिश करने के बाद भी। हाँ, वही बात। बाबा प्रूफ है, प्रूफ है ना? किस बात का प्रूफ? क्या बात प्रूफ? ब्रह्मा हुआ, हार्ट फेल नहीं हुआ। फिर प्रूफ पूछ रहे हैं। प्रूफ मुर्गियों में आया, पहली बुलेटिन के लिए उसमें लिखा है। डॉक्टर को बुलाया, जब तक डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने बताया इनका हार्ट फेल हो गया। अरे बुलेटिन है पहले नंबर की। हाँ, प्रकाश पानी डाके और किशोर कुमार और रमेश भाई प्रॉपर्टी अपना नाम कर लिया ना, उसका भी प्रूफ है। क्यों? बाज निर्मल ट्रस्ट नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। उस रजिस्ट्रेशन में हेड कौन बना हुआ है ये नहीं मालूम है। मालूम तो उन लोग नहीं मानते, हम लोग उनको। कौन लोग नहीं मानते? हम लोग ईमेल सेंड करे, हम लोग ईमेल सेंड करे हम लोग। हाँ, तो ईमेल से क्या होता है? कोई जरूरी है कि तुम्हारे ईमेल का वो सही जवाब दें? उसका प्रूफ पूछ रहे हैं। प्रूफ बताया ना कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ जाकर के वो प्रूफ मिल जाएगा। पर उन लोग पूरे लोग नहीं मान रहे, ऐसा नहीं मान रहे। रजिस्ट्रेशन नहीं है उनकी संस्था का वर्ल्ड रिवर ट्रस्ट के नाम से। तो उसका हेड कौन है, किसने बनाया? बाबा ने डायरेक्शन दिया मुरली में, तो प्रूफ हो गया। ब्रह्मा बाबा का तन किस में रहा? यज्ञ किसे? यज्ञ पिता कौन है? अरे उनके मुख से जो ज्ञान। अरे यज्ञ पिता कौन है? शिव बाबा का प्रैक्टिकल रूप कौन है? अरे यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा को कोई से ज्ञान का बीज मिला या नहीं मिला? क्या ऐसे ही पैदा हो गए? जिससे ज्ञान का बीज मिला वो ही उनका यज्ञ पिता हो गया। अरे यज्ञ तो ज्ञान यज्ञ है ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं ना। यज्ञ ईंटों के मकान को थोड़े ही कहा जाता है। पर उनकी मुख से जो वाणी निकली है वही आधार बना है ना। वाणी क्या निकली है? निकले तो वेद भी है। वेदों को तुम समझते कहीं? एक 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 श्लोक का भी अर्थ जानते? जब अर्थ ही नहीं जानते तो आधार बनाएंगे? अरे वेद निकले हैं कि नहीं निकले हैं? जैसे ब्रह्मा के मुख से वेद निकले भक्ति मार्ग में ऐसे बताया, ऐसे ही ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की दुनिया में मुरली के महावाक्य निकले, वो हमारे वेद हो गए। अरे तो भगवान दूसरा बनाया जाएगा क्या? उसके अर्थ को तो नहीं जानते। जब अर्थ ही नहीं, कोई व्यक्ति है रामायण की चौपाइयां रट रट के सुनाता है, गीता के श्लोक रट रट के सुनाता है, महाभारत के श्लोक भी याद है वो रट के सुनाता है, अर्थ कुछ भी पता नहीं, तो लोग उसको मानेंगे या उसके अर्थ को व्याख्या करके
समझने और समझाने वाले को मानेंगे? समझ को ज्ञान कहा जाता है या तोता रटंतु को ज्ञान समझा कहा जाता है? ज्ञान किसको कहा जाता है? तोता अगर कोई श्लोक बोलता रहे तो तोते को ज्ञानी कहेंगे? नहीं, ऐसे ही है कि ब्रह्मा के मुख से भगवान ने आकर के टेक्स्ट बुक तो सुनाई, लेकिन वो टेक्स्ट बुक अधूरी है अगर कोई की समझ में नहीं आई तो। इसलिए समझ में लाने के लिए भगवान को फिर टीचर का रूप धारण करना पड़ता है। बाप भी है और टीचर भी है, फिर करण करावनहार सदगुरु भी है। और महाभारत लड़ाई कब? अभी नहीं है, अभी सामने महाभारत युद्ध दिखाई नहीं पड़ता है। लड़ाई होनी है कि नहीं होनी है? है, अपने को किस पाला में समझते हो फिर? है, कौरवों की पाला में समझते हो या पांडवों की पाला में? पांडवों का ये पता ही नहीं कि युद्ध सामने खड़ा है। और हाँ, सदगुरु का पाठ बजने के बाद राजस्थानी स्थापन होगी? अच्छा, या गुरु गुरु का काम है रास्ता दिखाना, सदगुरु का काम है सच्चा रास्ता दिखाना। तो सच्चा रास्ता दिखाने वाला जो सदगुरु है वो ही तो सदगति देने वाला है। पहले बुद्धि की सदगति करेगा या शरीर की? और शरीर की कर्मेंद्रियों की सदगति पहले हो जाएगी? और मन बुद्धि की सदगति करता है। जब मन बुद्धि की सदगति होती है तो सच्चा काम करेंगे या झूठा काम करेंगे? सच्चा काम करेंगे कर्मेंद्रियों से। सच्चा काम करेंगे तो सतयुग की राजधानी स्थापन होगी, झूठे काम करेंगे तो राजधानी सतयुग की स्थापन होने वाली नहीं है। बाबा, 1950 और 68 के बीच में प्रजापिता का पाठ सीखा है? 1950 और 68 और 68 के बीच में प्रजापिता का पाठ किसका है? प्रजापिता का जो पार्ट है वो एक होता है ओरिजिनल, और एक ऐसे होता है जैसे कि प्रिंसिपल चला जाता है छुट्टी पर साल दो साल, तो 22 प्रिंसिपल को महत्व दे दिया जाता है, लकबा दे दिया जाता है। ऐसे ही प्रजापिता यज्ञ के आदि में चला गया तो उनका टाइटल किसको मिल गया? ब्रह्मा बाबा को टाइटल मिल गया। कब तक के लिए टाइटल मिल गया? जब तक वो जीवित रहे तब तक के लिए टाइटल मिल गया, 68-69 तक। तो वो प्रजापिता थे, कार्यवाहक प्रजापिता थे या ओरिजिनल थे? कार्यवाहक थे। इसलिए पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखा जाता था। आश्रम का नाम क्या लिखा जाता था? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। बाद में मुरली में शिव बाबा ने बोला, तुम बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, ये रंग बात है। कोई से पूछा जाए तुम किसके बच्चे हो तो कहे हमारी अम्मा का नाम ये है, तो लोग हंसेंगे, हंसी उड़ाएंगे या खुश हो जाएंगे? हंसी उड़ाएंगे, इसे अपने बाप का नाम तो मालूम ही नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये। तो शिव बाबा ने बच्चों को समझाया, क्या समझाया? 64-65 से ये मुरली निकलना शुरू हुई कि ब्रह्मा कुमार कुमारी न लिखो,
क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। आश्रम का नाम भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय मत लिखो, क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। इसलिए जो पुराने चित्र हैं झाड़ और त्रिमूर्ति का, उसमें जो नाम दिए हुए हैं संस्था का, वो क्या नाम दिया हुआ है? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और जो बाद में चित्र बना है 65 के बाद सीढ़ी का चित्र, उसमें नाम क्या लिखा है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो भी आधी श्रीमत उठाई और आधी श्रीमत नहीं उठाई। क्या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की जय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ये नाम तो लिखा लेकिन अपने नाम के आगे ब्रह्मा कुमार कुमारी ही लिखते रहे, प्रजापिता शब्द नहीं लिखा, आज तक भी नहीं लिख रहे हैं। तो सही बात है या गलत बात है? है गलत कैसे होना, मालूम ही नहीं है। जब पक्का निश्चय हो तभी तो लिखेंगे, तो जिसको मालूम ही नहीं है वो लिखे कहां से। और अभी तक ये प्रजापिता जी वो शब्द भी नहीं यूज करेंगे ना, वो नाम भी नहीं लेना चाहते। पहले फिर भी नाम पीयू का लेते थे, पीयू माने बाप। अभी तो नाम निशान खत्म कर दिया। जैसे मुरली में वाक्य आया है, लाश भी गुम कर दी ताकि नाम निशान खत्म हो जाए। लाश का बेहद अर्थ है, लाश का बेहद अर्थ, बात का बेहद अर्थ, कान का बेहद अर्थ, नाक का बेहद अर्थ, चश्मे का बेहद अर्थ, दांत का बेहद अर्थ। लाश माने मुर्दा है, है। अरे जो हत्या हो, युद्ध होता है तो युद्ध में हत्याएं होती हैं या वीरगति प्राप्त होती है? युद्ध में हत्याएं होती हैं या वीरगति होती है? वीरगति होती है, हत्या क्यों? हत्या में तो हक शब्द घट तेरेगी, वो तो खराब बात हो गई। ये तो सच्चाई के लिए वीर गति प्राप्त हुई, ये बेहद का युद्ध है। वो दुनिया में द्वापर युग से होते रहे हद के युद्ध, और हम बच्चे कौन सा युद्ध लड़ते हैं? हम सच्चाई के लिए युद्ध लड़ते हैं, ये बेहद का युद्ध है। ये युद्ध जो लड़ते हैं उनको बेहद की क्या प्राप्त होती है? वीर गति प्राप्त होती है। और इलाज की बात है कॉन्सल्टेशन, इलाज की बात है कॉन्सल्टेशन, इलाज की बात है कॉन्सल्टेशन, कॉन्सल्टेशन इलाज की बात है कॉन्सल्टेशन, इलाज हाँ। ये जो आजकल हीलिंग कर रहे हैं ये क्या है? हीलिंग करना, ये रेकी करना, या वो क्या नाम, और ऐसी ऐसी दो चार निकली हैं थेरेपी, वो कोई दूसरी चीज नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन ही है। उनका कॉन्सेंट्रेशन हद का है और हमारा कॉन्सेंट्रेशन बेहद का है, क्योंकि हम बाप की याद में करते हैं लेकिन प्रैक्टिस में फर्क पड़ जाता है। हमारी प्रैक्टिस एक सेकंड की नहीं है, हमारी प्रैक्टिस जिंदगी भर की प्रैक्टिस है। याद थोड़े समय करेंगे या सारी जिंदगी करेंगे? सारी जिंदगी हमको याद करना है, क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब है। और ये तो प्रश्न है लोगों की, ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया है? हाँ सब कुछ त्याग किया है। हाँ त्याग तो किया, कोई सुनो, त्याग तो किया, जैसे गधा है
गधा सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करता है, करता है या नहीं? सच्चाई से करता है या जबरदस्ती करता है? उसके ऊपर कुम्हार या धोबी का डंडा रहता है तो जबरदस्ती करता है। कुम्हार का दादी के कंट्रोल में ब्रह्मा बाबा आए या नहीं आए? है? आए। तो जिसके कंट्रोल में आए उसकी सेवा की या भगवान को पहचान करके भगवान की सेवा की? भगवान का प्रैक्टिकल रूप उन्होंने जाना क्या? कहेंगे कि भगवान की श्रीमत पर चले। है कर्मों में फॉलो करो, लेकिन लेकिन बात मेरी मानो। कर्मों में फॉलो इसलिए करो कि ब्रह्मा बाबा ने दूसरी शादी तो नहीं की, की क्या? नहीं की, तो तुम भी शादी दूसरी मत करो, संकल्प भी मत लाओ। ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों को वर्षा नहीं दिया प्रैक्टिकल कर्मों में, तो हमें भी क्या करना है? है? अपने बच्चों को भी वर्षा नहीं देना है अगर ज्ञान में नहीं चलते हैं। ऐसे कर्मों में फॉलो करो, ऐसे नहीं उल्टा कर दो कि कर्मों में शंकर को फॉलो करो और डायरेक्शन ब्रह्मा बाबा के मानो। और उनका सेवा किस श्रेणी में आएगा? उनकी सेवा किस श्रेणी में आएगा? सेकंड नंबर दो, वो नंबर दो का वर्षा लेते हैं या अव्वल नंबर का वर्षा लेते हैं? बाप से वर्षा लेते हैं या देवताओं से वर्षा लेते हैं? किससे वर्षा लेते हैं बोलो ना। अरे कौन प्रश्न कर रहा है? जो प्रश्न कर रहा है सो तो बोले। किससे वर्षा लेते हैं? देवताओं से वर्षा लेते हैं। तो ऊंचा कौन हुआ? तुम ऊंचे हुए कि ब्रह्मा बाबा ऊंचे हुए? त्याग देंगे तो फिर वही त्याग, त्याग 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 गधा करता है कुम्हार के लिए। आज के बड़े बड़े ऑफिसरों से पूछा जाए तो कहते हैं हम कर्मयोगी हैं, हम कोई धर्म अर्म को नहीं मानते, हम तो कर्म को मानते हैं, हम अपने कर्म पर डटे हुए हैं। फिर उनसे कहा जाए कि तुम कर्मयोगी हो तो गधा भी तो कर्मयोगी है या नहीं है? हैं? तो गधा वाले कर्मयोगी हो या ईश्वर के बच्चों ने ईश्वर से जो राजयोग सीखा, कर्मयोग सीखा, वो कर्मयोगी हो? किसके अंडर में काम करते हो? वो भ्रष्टाचारी मिनिस्टरों के अंडर में काम करते हो या शिष्टाचारियों के अंडर में काम करते हो? किसके अंडर में काम करते हो? भ्रष्टाचारी मंत्रियों के अंडर में रह करके काम करते हैं। और बाबा लेकिन जब तक ब्रह्मा बाबा आ जाए तब तक भगवान का रूप तो नहीं मालूम ना। हाँ? तो ब्रह्मा बाबा को भी कैसा पता चलेगा तो भगवान का रूप यही है कि जो ज्ञान देता है वो भगवान ज्ञान देता है या शैतान ज्ञान देता है? तो उन्हें किससे ज्ञान मिला? हैं? फिर उन्हें भी तो भगवान से ही ज्ञान मिला था, लेकिन देह अहंकार के कारण उस बात को भूल बैठे। उन्हें देह अहंकार ये चढ़ गया कि ये तो 10 साल से मेरी दुकान में नौकर था, मैनेजर था। मैनेजर नौकर होता है या मालिक होता है? नौकर होता है। तो ये अहंकार चढ़ गया, ये तो मेरा नौकर है। अरे ज्ञान में नौकर वौकर थोड़े देखा जाता है। और है बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात नहीं है, धारण करना बड़ी बात है। हाँ समझेंगे ही नहीं तो धारण कर लेंगे। ब्रह्मा बाबा ने बहुत कुछ धारण किया, बहुत कुछ धारण किया, फिर तो अव्वल नंबर नारायण बन जाना चाहिए, फिर तो नर नारायण बन जाना चाहिए। बाबा ने डायरेक्शन दिया है नर नारायण बनने का या नर से प्रिंस बनने का? है तो इसीलिए नंबर दो हो गए। अगर 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र हो और एक
जवाब लिखने वाला 100 का 100 प्रश्नों का जवाब सही दे दे और दूसरा विद्यार्थी परीक्षा देने वाला ऐसा जिसने 99 प्रश्नों का सही जवाब दिया, 1 का गलत दे दिया, तो अव्वल नंबर कौन हुआ? 100 का 100 जो 100 का 100 जवाब सही दे वो ही अव्वल नंबर हुआ। और है हाँ जी, ये बात आती है कि रोमांस लेने वाला है अव्वल नंबर लेने में ब्रह्मा बाबा घटाते, अव्वल नंबर लेने में एक बात में ले, एक बात में क्यों, सैकड़ों बातें बताएंगे तुम्हें, 4.5 लाख बातें बताएंगे, 4.5 लाखवां जो विद्यार्थी है सूर्यवंश का वो अव्वल नंबर लेने वाला है और 4.5 लाखवें के बाद जो पहला नंबर लेने वाले हैं वो ब्रह्मा बाबा है, तो श्रेष्ठ कौन हुआ? 4.5 लाखवां नंबर श्रेष्ठ हो गया। यही पार्ट होगा कि अगले जन्म में नंबर लेंगे, जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ जन्म है ईश्वरीय जन्म, उसमें नंबर नहीं लेंगे और उनके फॉलोअर का क्या होगा? है उन वही हाल कहाँ से होगा? उनके बच्चे बनेंगे। हाँ और है, परंतु बाबा अरे माताओं को भी बोल लेने दो। हाँ कौन बोला? एक मिनट धीरज धर मनुआ धीरज धर। हाँ राजधानी स्थापन होनी है। हाँ तो कितने लोग भाग लेंगे दिल्ली में? कितने लोग भाग लेंगे दिल्ली में? कितने लोग जिंदा रहेंगे? भाग लेंगे राजधानी जमाने में, राजधानी स्थापन करने में 16108 भी भाग लेंगे। 16108 प्रैक्टिकल होंगे या प्रवेश करने वाले होंगे? जो हाँ माला जो बनती है, जो माला यादगार बनी हुई है वो प्रैक्टिकल है या सिर्फ हवा हवा में है? प्रैक्टिकल है। और परंतु राम बाब अपने को बाप के रूप में मान लिया। दुनिया में ऐसे कितने हैं जो शिव ओम कह के बैठ जाते हैं? परंतु राम बाब अपने आप को नहीं मानते। अरे तो शिव ओम कह के जो बैठ जाते हैं कहते हैं हम ही भगवान है, उनको ही भगवान मानना चाहिए, या जो अपने को भगवान नहीं मानता है वो भगवान होगा? हो सकता है या नहीं हो सकता है? यहाँ तो बाबा ने बोला है कि जो अपने को शिवो हम कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप हैं। परंतु उसका मुनि में बहुत प्रूफ है, राम बाप है, राम बाप का पाठ का बहुत प्रूफ है मुनि में। हाँ तो होने दो, वाह साबित करो। तुम गेंगे क्या होता है, साबित करके दिखाओ तो मान लिया जाए। कोई कहते हैं कि अपने को भगवान कहता है, अपने को शंकर कहता है, राम कहता है, शिवलिंग कहता है, अखबार कहते हैं, कहने दो, कोई प्रूफ है इस बात का? मुरली कहाँ है? मुरली कौन सी मुरली में कहा है कि मेरा पाठ राम है, कि मेरा पाठ शंकर है, कि मेरा पाठ शिव है, कि मेरा पाठ भगवान है? कौन सी मुरली में बोला? फरुखाबाद में ढेर के ढेर हैं। कोई एक आदमी है क्या? फरुखाबाद में मालिक को पहचानने वाले ढेर के ढेर बैठे हुए हैं। और कपिल का बहुत विशेष गायन है। कपिल का बहुत विशेष गायन है। क्या विशेष गायन है? क्या है? पांडव है। पांडव तो पांडव दूसरी जगह नहीं है? पांडव
पांडव सिर्फ कंपिल में ही थे या कहीं दूसरी जगह भी थे? दूसरी जगह भी थे। ज्यादा समय वहीं बिताया। लो 13 वर्ष कहाँ बिताए, 1 साल तो राजा विराट के यहाँ बिताए, ऐसे बताते हैं। और वो तो कथा कहानियां हैं, असली बात यहाँ की है, कथा कहानियों की है। इसको सिद्ध कैसे करना है? सिद्ध करो ना, प्रैक्टिकल में हम सिद्ध करके बता रहे हैं ना। मानने नहीं वीडियो वाले, हैं? वीडियो वाले मानने नहीं। क्या नहीं माने? इसका प्रूफ पूछ रहे। किस बात का प्रूफ? मैंने कपिल में भगवान है, फर्कबाद में मालिक है, इसका प्रूफ कहा है? अरे तो बता दिया, जो जिस खून को होगा वो ही बात मानेगा कि 500 करोड़ मान जाएंगे। ना सब लोग मानेंगे ना। अंत में मानेंगे या पहले मानेंगे? अंतिम बच्चे हैं या पहलौटी के बच्चे हैं? है? वो अंतिम भगवान के बच्चे हैं तो अंत में ही मानेंगे। और मुंह से बोल बोल करते रहो, टैप रिकॉर्ड भर दे मंत्र को, क्या शक्ति आएगी? कोई भी मंत्र को टैप रिकॉर्ड में बज दो, 24 घंटे बजाते रहो, शक्ति आएगी? नहीं आएगी। अच्छा लो लाउड स्पीकर में भर दो, सारे शहर में वो लाउड स्पीकर लगा दो और वो बोलता रहे, शक्ति आ जाएगी? नहीं आएगी। वाचा उसका आधार मुख है, मुख हो चाहे कोई दूसरी कर्मेंद्रियां हो, वो कर्मेंद्रियां विनाशी हैं या अविनाशी हैं? तो विनाशी से जो रचना निकलेगी वो भी विनाशी। और आत्मा अविनाशी है, आत्मा से जो वाइब्रेशन निकलते हैं वो भी अविनाशी हैं। तो कंसंट्रेशन ये बड़ी बात है, मुख से बोल बोल करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और बीमार मनुष्य अंदर से तो दुखी रहता है, तो वो क्या पुरुषार्थ कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्यों? बीमार हमेशा ये याद रखे कि हम धर्मराज की सजाओं से बच रहे हैं। जो बीमार नहीं रहते हैं, पाप कर्म करते जाते हैं, 100 गुना पाप का बोझा चढ़ाते जा रहे हैं, उनसे हम श्रेष्ठ हैं। बीमारी से भी धर्मराज की सजाओं से बचा जाता है। ये कर्म भोग हम तीव्र गति से भोगते हैं बीमारी में, और बीमारी में ज्यादा टाइम मिलता है याद करने का कि स्वस्थ रहते समय ज्यादा टाइम मिलता है बीमारी में? ज्यादा बीमारी में आप पड़े रहो, आराम से याद करते रहो। दवाई आजकल तो दवाइयां ऐसी निकली हैं एलोपैथी में, एलोपैथी ने एक ही बात में विजय प्राप्त की है, 100% दर्द बंद कर दिया है। बड़े से बड़ा ऑपरेशन करेंगे, दर्द पता ही नहीं चलेगा। तो कितने भी बीमार हो जाओ, गोलियां घटाघट खाते जाओ, दर्द होगा नहीं। जब दर्द भी नहीं है, तुमको महसूस नहीं हो रहा है, तो तुम बाबा की याद नहीं कर सकते हैं? कर सकते? 16 घंटे काम करना कहते हैं। 16 घंटे उनके लिए कहते हैं जो सरेंडर हुए हैं, जो ढोंग बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, हम सरेंडर हैं। तो बीमार होते हैं। हाँ भले होते हैं, सो क्या हुआ? ज्यादा उनका पाप का बोझा है या यहाँ भी 100 गुना बोझा चढ़ा रहे होंगे, क्या पता है? तो वो 16 घंटे कर नहीं सकते फिर? क्यों नहीं कर सकते? अरे बीमार आदमी 16 घंटा याद नहीं कर सकता? अभी तो बताया दवाइयां लेते रहो घटाघट, दर्द महसूस नहीं होगा, बिस्तर पर आराम से पड़े रहने को मिल रहा है, रोटी दाल पनी बनाई खाने को मिल रही है, कुछ काम धाम करने का नहीं है। नहीं करे तो भी चलेगा। बाबा को याद करना सबसे बड़ी सेवा है,
या कर्मेंद्रियों से कर्म करना सबसे बड़ी सेवा है। याद करना सबसे बड़ी सेवा है। बाबा बोला ना, याद में सब धारणा क्षमा। याद से शंकर जी ने विश्व की बादशाही ले ली, सिर्फ याद से। और पांच विकारों को बस में नहीं करना, चेंज करना है। पांच विकारों को बस में नहीं करना, कर दो चेंज। ये तो और भी अच्छी बात है, है? किसी को आधीन बनाने की बजाय वो उसकी गतिमति ही चेंज कर दो। और बाबा जिसको दावा सामने नहीं करता वो जिसको दावा सामने दवा काम नहीं करती है तो भूत प्रेत आता होगा। हाँ हाँ, जहाँ दवाएं काम नहीं करती हैं, जहाँ मशीनें, कोई भी इलाज कराने जाओ, टेस्ट कराओ, मशीनें कहती नॉर्मल 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 नॉर्मल, तो भूत प्रेत काम कर रहा है, समझ लो। भूत प्रेत जहाँ काम करेंगे तो वहां कुछ भी पता नहीं चलता है कि कौन सी बीमारी है, और ना उसका इलाज का पता चलेगा। ये तो जो भूत वैद्य हैं वो ही थोड़ा बहुत इलाज कर सकते हैं, और बड़े से बड़ा भूत वैद्य तो शिव बाबा है। तो वो तो बंधन में है, कहीं जा नहीं सकती है। हाँ, बस दूर है, बंधन में है, इधर से बहुत दूर है गाँव। शिव बाबा बहुत दूर है, शिव बाबा तो नजदीक है। तो फिर उसी को याद करो, बंधन में है, घर वाले नहीं मानते। अरे मन थोड़ा ही बंधन में होता है, शरीर बंधन में हो सकता है, बाल बच्चे बंधन में हो सकते हैं, धन बंधन में हो सकता है, कर्मेंद्रियां बंधन में हो सकती हैं, लेकिन मन तो बंधन में होता ही नहीं। मन किसी के बंधन में नहीं आता। और जगत जीते मन जीते जगत जीते हाँ। और माया जीते जगत जीते हाँ। और ठीक है, तीनों बातों एक ही है। काम वासना मन के संकल्पों के बगैर आएगी क्या है? और माया आएगी तो पहले संकल्पों में आएगी कि सीधे सीधे कर्म में आ जाएगी है? तो तीनों बातें एक ही है। हाँ, श्रेष्ठ भी हो सकते हैं। जहाँ श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वहाँ माया थोड़ी ही होती है। सत्य संकल्प होंगे तो सत्य बाप होगा या माया होगी? बाबा, जो ब्रह्म बाबा ने 12 गुरु करे थे वो नाम थे कौन थे? जो ब्रह्म बाबा ने 12 गुरु करे थे वेद में जो सूर्यवंशी 12 आत्माएं हैं वो ही उनके 12 गुरु हैं। 12 आत्माएं सूर्यवंश में हैं या नहीं? माला में 9 ग्रुप है ना, 9 धर्मों के। तो पहला जो ग्रुप है वो सूर्यवंश का है, ब्रह्मा बाबा चंद्रवंश के हैं मुखिया। तो अपने से नीचे वाले को गुरु करेंगे या ऊपर वाले को करेंगे? ऊपर वालों को ही गुरु करेंगे। और है गंगा, गंगा को बहुत प्यार किया होगा तो सर के ऊपर बैठा ही लिया। तुम्हारे पापा जब तुमको बहुत प्यार करते हैं तो सर के ऊपर चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते नहीं, याद होगा तो तुम जब बहुत छोटे हो तब तो चढ़ाया होगा। ऐसे ही चंद्रमा को है।
है। पुलिस में बार एक बार समझाते हैं बच्चों को, बहलाना बहुत आसान है पर जो बात उनको समझाना है वो समझाना बहुत मुश्किल है। वो बात क्या है जो समझाना मुश्किल? वो बात ही बाबा ने खुद ही मुरली बता दी। कहते हैं भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में ये बात कहते हैं कि शंकर जी को विष पीते पीते गला काला हो गया, परंतु अभी ये बात समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है, तो ये बात कठिन हो गई ना। और बाबा क्लास में कोई कोई तो हमेशा झुटका ही खाते रहते हैं और कोई कोई तो आंखें बंद करके मुरली सुनते हैं, तो कौन सा अच्छा है? क्या करना अच्छा है, आंखें बंद करके मुरली सुनना अच्छा है या सारे क्लास में चाहे याद का क्लास हो चाहे मुरली का क्लास हो चाहे वार्तालाप हो आंखें बंद करके बैठे रहो? आंखें बंद करके बैठने नींद तो आ जाता है ना, आंख बंद करके झुटका करना ऐसा, ये भी ऐसा ना, आंख बंद करने तो नींद आ जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दोनों अच्छे नहीं है। और लंबा लंबा प्रश्न मत लिखा करो भाई, टाइम वेस्ट होता है। मुरली में आया है कि प्रदर्शनी में पहले पहले त्रिमूर्ति पर समझाना है, ये तुम्हारा बाबा है ये तुम्हारा दादा है, तो बाबा इस वाक्य में तुम्हारा बाबा ये है और वो दादा है, ये किसको लागू होता है समझाइए बाबा, बताओ कौन बताएगा? त्रिमूर्ति में जब समझाते हैं तो समझाना चाहिए कोई को भी, ये तुम्हारा बाबा है ये तुम्हारा दादा है, तो कौन बाबा है त्रिमूर्ति में और कौन दादा है? दादा तो ब्रह्मा बाबा है। दादा तो ब्रह्मा बाबा है क्योंकि पहला बच्चा है। जब नई सृष्टि सतयुग शुरू होती है तो सतयुग की सृष्टि का पहला बच्चा कौन है? पहला पत्ता कृष्ण वाला बच्चा, तो वो हमारा सबका दादा है मनुष्य सृष्टि का। और सारी मनुष्य सृष्टि का बाबा कौन है? शंकर। जो राम वाली आत्मा है, शंकर के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा है, वो हम सबका बाबा है। और ज्यादा याद करने से विनाश होता है। ज्यादा याद करने से विनाश होता है? काहे का विनाश होता है, अच्छी बात का या बुरी बात का? बुरी बात। तो होने दो, घर में आग लगने दो, घबराहट की तो कोई बात ही नहीं है। गृहस्थी वालों को 8 घंटा सेवा करना है, तो सेवा की लिस्ट में क्या क्या आता है? याद करेंगे बैठ के, वो भी सेवा की लिस्ट में आता है क्योंकि उससे वातावरण शुद्ध होता है। कोई भी आत्माएं देखने में आती हैं, उनको शुद्ध दृष्टि से देखो, शुभ वाइब्रेशन से देखो, ये भी सेवा है। कोई भी आत्माओं से कर्मेंद्रियों के संबंध में संपर्क में आते हैं तो उनको सुख मिले सदाकाल का, दुख न मिले, ऐसे कर्म इंद्रियों से कर्म करो, ये भी सेवा है। वाचा चलाते हैं तो ऐसे बोल बोलो जो दूसरों को लगे कि हमारे ऊपर फूल गिर रहे हैं, हमें बहुत सुख मिल रहा है और सदा काल का सुख मिल रहा है, तो वो भी सेवा है। तो मनसा सेवा करो या वाचा सेवा करो या कर्म इंद्रियों से कर्मणा सेवा करो, तन से सेवा करो, धन से सेवा करो, ये सब प्रकार की सेवा
सेवा की लिस्ट में आती है। और हाँ जो ईश्वरीय ज्ञान की बातों का विरोध करे, श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को क्या समझो? तो रावण संप्रदाय हमारा दुश्मन है या दोस्त है? वो तो दुश्मन है। जब तक हमारी बात न माने, जो शिव बाबा ने बात कही है वो हमारी बात को न माने, बाप की बात को न माने, तब तक वो क्या है? वो रावण संप्रदाय है। और ये लॉ हाथ में नहीं उठाने की बात है, वो कैसे लागू? वो ऐसे ही लागू होती है कि किसी को दंड देना ये हमारा काम है, ज्ञानियों का काम है, या दंड देना धर्मराज का काम है? है सामना आंख से भी किया जाता है, लाल लाल आंखें करके दिखा दी, मोटी मोटी गोल गोल, कर्म इंद्रियों से भी कर्म ऐसे कर्म किए जिससे दूसरे को दुख हो जाए, वो भी सामना करना है। बातों से ऐसी बातें बोल दी जिससे दूसरे को कचोट जाए, दुख लग जाए, तो ये सामना करने वाली बातें हैं सब।